निवेदिता शुक्ला। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करने वाली टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हाल ही में मां बनी है। उन्होंने हैदराबाद के अस्पताल में 29 अक्टूबर को एक बच्चे को जन्म दिया है। पापा बने शोएब मलिक ने फैंस को ट्विटर पर यह खुशखबरी सुनाई, लेकिन बेटे के जन्म के साथ ही सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं भी होने लगी कि बेटे की नागरिकता क्या होगी, क्योंकि सानिया मिर्जा भारतीय हैं और शोएब मलिक पाकिस्तानी हैं। इन चर्चाओं के बीच पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर आई कि बेबी मिर्जा मलिक को पाकिस्तानी नागरिकता नहीं मिल सकती। दरअसल उर्दू दुनिया न्यूज टीवी की वेबसाइट पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट और इमिग्रेशन कानून के मुताबिक किसी भारतीय नागरिक को पाकिस्तानी नागरिकता नहीं दी जा सकती है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान दोहरी नागरिकता भी देता है, यानी पाकिस्तान की नागरिकता के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता भी ले सकते हैं। इस तरह का समझौता पाकिस्तान ने 19 देशों के साथ किया है, लेकिन इसमें भारत का नाम नहीं है। वैसे जिस तरह से सानिया मिर्जा ने हैदराबाद में बच्चे के जन्म के लिए प्लानिंग की थी, उससे लगता है कि उनके मन में भी नागरिकता की बात जरूर रही होगी, क्योंकि मायके में बच्चे को जन्म देने पर उसकी नागरिकता भारतीय होगी। भारत के लिए कई मेडल जीतने वाली टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी के बाद भी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी और ना ही वो कभी पाकिस्तान गई न वहाँ की नागरिकता ली। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने मिलकर दुबई में घर खरीदा है। वो दोनों जब खेल नहीं रहे होते हैं तो ज्यादातर समय वहीं बिताते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले शोएब मलिक के लिए बच्चे की नागरिकता कभी बड़ा मसला नहीं रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में कहा था कि उनके लिए नागरिकता मायने नहीं रखती है, उनका बच्चा ना तो पाकिस्तानी होगा और ना ही भारतीय।